आपको तोड़ के दिखा दो कितनी कड़क है, ये देखें, ये देख रहे हैं। रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम लोग बनाएंगे चना चाट कर ये कटोरियाँ बनाएंगे मैदे से। तो उसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम मैदा लिया है और 100 ग्राम मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर पाउडर। इन दोनों को मिक्स कर देते हैं और इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ अभी आधा चम्मच टीस्पून नमक का। इन सब को मिक्स करके तो इसकी लिक्विड डो बनाते हैं हम लोग। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप मैं डाला इसके अंदर हल्का गर्म पानी का। इसको मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह। मिक्स करना है, इसके अंदर कोई लम्स वगैरह ना दें बिल्कुल। 1 कप मैंने और डाला है इसके अंदर, तो इसको अभी मिक्स करके देख लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो और डालेंगे, नहीं तो यही मेरा ख्याल काफ़ी हो जाएगा पानी। ये मैनुअल एजिटेटर है, इसके साथ ना इसको अच्छी तरह मैदे को मिक्स कर देते हैं ताकि इसके अंदर से लम्स वगैरह ख़त्म हो जाए। क्योंकि हमारी स्मूथ डो बनेगी तो फिर हमारी कटोरियाँ सही बनेंगी, अगर ये स्मूथ डो नहीं है तो कटोरियाँ सही नहीं बनेंगी। तो इसको अभी मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए। तो कटोरी के लिए जो हमने बनानी है चना चाट के लिए कटोरी, तो वो तकरीबन बन चुका है। अभी इसको मैं रखूँगा आधे घंटे के लिए, इसको रख देते हैं ढक कर देगा, तो उसके बाद फिर इसको दोबारा चेक करते हैं। देखिए जी हमारी लिक्विड डो बन चुकी है कटोरी के लिए, चना चाट की कटोरी के लिए। ये देखें ये ऐसे होगी जैसे क्रीम की तरह नहीं होती, देखें मुलायम, ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी कैसी ज़बरदस्त है, ये लेसदार होगी, ये देख रहे हैं, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए ना पतली होनी चाहिए, ये लेसदार ऐसी होगी। उस समय लिए हमारी बन गई है। उसके बाद ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, एक चम्मच लीजिए, एक आम चम्मच लीजिए आप, ये देखें इस चम्मच को ना साफ़ कर लें, पानी ना लगाओ इसके साथ, ठंडा चम्मच ही लेने आप, गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें इसके साथ कैसे ज़बरदस्त चिमट गई, इसका मतलब हमारी डो ज़बरदस्त बन चुकी है। तो इससे मैं आपको कटोरी बना के दिखाता हूँ आपको। अभी बनाने के लिए चना चाट की मैंने एक लोहे की कढ़ाई ली है। लोहे की कढ़ाई इसलिए कि मोटी होती है, उसका पैना मोटा होता है, ज़्यादा देर तक ऑयल गर्म रहता है इसके अंदर। और ये मैंने एक डूंगी सी ली है, तो इसके साइज़ के हम लोग बनाएंगे इसको। मैंने ऑयल को मैंने प्री हीट कर दिया है, अभी इसके अंदर ये डाल रहा हूँ, इसको 1-2 मिनट इसके अंदर रखना है। गर्म करने के बाद इसको ऐसे निकाल लें, ऐसे कपड़ा ले लें या टिश्यू पेपर ले लें, इसको नीचे से साफ करके इसको हम लोगों ने ऐसे डीप करना है। ये देखें इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, बाहर आना चाहिए। ये लगाने के बाद लेके जाना है इसको, ऐसे ऐसे लेके जाना है, ये देखें इसको भर देना है। ये देखिए ऑयल हमारा ज़बरदस्त गर्म है, थोड़ी देर इसको हाथ में पकड़ के रखना है, नीचे नहीं लगने देना इसको पेंदे के साथ। अगर ये नीचे से लगेगी तो फिर ये नीचे से डैमेज हो जाएगी थोड़ी सी, इसके शायद वो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो इसको थोड़ा सा पकड़ के रखें, ये देखें नीचे से ज़बरदस्त बनी है। आप अगर नीचे रख देंगे तो नीचे से फिर वो ना ख़राब हो जाएगी। अभी इसको छोड़ दें तो पकती रहेगी, इसको 1 मिनट के लिए पकाना है। जब ये ब्राउन हो जाए, हल्की ब्राउन हो जाए, गोल्डन कलर आ जाए इसको, तो इसको उतार लें। उसके बाद इसको निकाल के दोबारा हम लोग ऑयल के अंदर पकाएंगे ताकि अंदर से भी ये पक के कड़क हो जाए हमारी। बहुत आसान है, आप घर पर बनाएं, ये बना के आप कटोरी इकट्ठी रख सकते हैं 2-3 दिन के लिए, और फिर डेली बेस पे आप इसके अंदर चना चाट, दोहरे फ्रूट चाट, जो आपका दिल करता भर के आप खा सकते हैं इसके अंदर। चमेली नहीं कोई भी बड़े आराम से निकलेगी, ये देखें ज़बरदस्त, अंदर से बिल भी अच्छी पकी हुई है। मगर आप अगर चाहते हैं कि अंदर से भी ये इसका कलर और अच्छा हो जाए तो फिर इसको आप अंदर से भी ऐसे एक बार पका लें। मैं दिखाता हूँ आपको, डाल दें अंदर से भी ये पक जाएगी, इसके अंदर जो इसका कलर अंदर से भी अच्छा आ जाएगा, तो ज़बरदस्त कड़क हो जाएगी। ये देखें 1-1.5 मिनट के लिए इसको पका लें, ऑयल हमारा गर्म है तो ये जल्दी जल्दी होती जाएंगी। फिर ये देखें इसको एक बार डीप करें, अंदर से भी हमारा कलर अच्छा आ जाएगा, कड़क होगी जैसे ये गोलगप्पे नहीं होती उस तरह की बन जाएगी। ये देखें अंदर से भी इसका कलर आ गया, अभी इसको अभी निकाल लेता हूँ मैं। एक बड़ा चम्मच लिया है
आप ना देखें, अगर आप कोई कटोरी लेते हैं उसको आप प्लास से या किसी चीज़ से पकड़ते हैं, वो ख़तरा आता है हाथ से निकल गई तो ये ऑयल बहुत गर्म है और छींटे आपके ऊपर ना पड़ जाए, इसलिए ये ज़बरदस्त आइडिया है। आप ऐसा वाला कोई भी चम्मच ले लें, छोटा बड़ा जो आपको पसंद है। ये देखिए ये गर्म हो गया, अभी बड़ी वाली कटोरी आपको बना के दिखाता हूँ मैं। खैर इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना, उसके बाद इसको डीप करना है इसके अंदर, थोड़ा सा ऐसे कर लें, ठीक है जी। ये देखें हो गया, अभी ये भी हमारी कटोरी पक चुकी है अंदर से भी बाहर से भी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त अंदर से बन गई है, इसको भी निकाल लेते हैं। ये कटोरी है, मैं इसको आपको तोड़ के दिखाता हूँ कितनी कड़क है। ये देखें तो ये ज़बरदस्त है, कड़क जैसे वो होते हैं ना गोलगप्पे उस तरह की बनेगी ये। तो आप थोड़ा सा इसको बनाएंगे ना तो उसके बाद इसको निकालने के बाद इसको अंदर से एक बार फिर पका लें ताकि अंदर तक ये पक जाए और ये ऐसे कड़क बने। कड़क बनेगी तो खाने का मज़ा आएगा। जो कटोरी है चना चाट के लिए तो मुकम्मल हो चुकी है। अभी इसके लिए फिलिंग के लिए मैंने चना चाट बनानी है, उसके लिए मैंने लिए फ्रेश हमारे पास है ये पुदीना, थोड़ा सा डालते हैं। धनिया डालना है थोड़ा सा, डंडियों के साथ डालना है। ये देखिए डंडियों के साथ ही मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसमें डालना है जी आधा टीस्पून हम लोग डालेंगे जवैन का, धनिया पाउडर डालेंगे आधा टीस्पून, और इसके अंदर डालेंगे हम लोग चिली फ्लेक्स आधा टीस्पून, और नमक डालेंगे हसब ज़रूरत, ठीक है जी। और ये थोड़ा सा हम लोगों ने प्याज डालना है इसके अंदर, ठीक है। और इसको अभी हम लोग थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड करते हैं। और हरी मिर्चें तीन डाली इसके अंदर, भूल गया था मैं, तो भी इसको ग्राइंड करता हूँ मैं। जो कटोरी उसके लिए चना चाट बनाने के लिए मैंने चने लिए हैं, 200 ग्राम चने थे मैंने, भिगो होने के बाद इसको मैंने बॉईल कर लिया। अभी इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ ये मैंने दो टमाटर लिए थे बारीक बारीक काट लिए थे, इसके अंदर डाल रहा हूँ। मैंने दो प्याज लिए थे दरमियाने साइज के, वो भी मैंने चॉप कर लिए, वो इसके अंदर डाल रहा हूँ। ये मेरे पास पुदीना, धनिया ये देखें चॉप किया हुआ, ये हरी मिर्चें हैं चॉप की हुई, ये पुदीना, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर डाल रहा हूँ। हमारी चना चाट जो इंशाल्लाह तआला बड़ी ज़बरदस्त बनेगी, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें डाल रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त है, इनका टेस्ट बड़ा इनसे डेवलप होगा। ये देखें सारे को डल गया, अभी इसके अंदर मैं मसाले डालूंगा। नमक डाल रहा हूँ हसबे जायका, आधा चम्मच हम लोग डाल लेते हैं नमक का इसके अंदर, और वही चिली फ्लेक्स आधे से भी कम चम्मच, क्योंकि ग्रीन चटनी में हमारे है, और थोड़ी सी अजवाइन है, और थोड़ा सा धनिया पाउडर है, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर है, और एक छोटा चम्मच में डाला इसके अंदर अपना काला नमक है इसके अंदर डाल दें। काले नमक से बड़ा टेस्ट इसका डेवलप होता है, इसलिए इसके अंदर डालें ताकि ना ये इसका टेस्ट अच्छा हो जाए। कितना ज़बरदस्त इसका कलर है, ये देखिए मिक्स हो रहा है। ये देखें जनाब चना चाट हमारी मुकम्मल है। इसको आप इसमें नमक मैंने अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये मुकम्मल हो गई है। ये देखें ये ग्रीन चटनी जो मैंने बनाई थी वो भी मुकम्मल हो गई है। और अभी मेरे पास जो इसकी इमली की चटनी है खट्टी मीठी, उसकी रेसिपी मैं पहले दे चुका हूँ, वो मेरे पास मौजूद है। इस सारे को डाल के हम लोग इसकी फिलिंग करते हैं। अभी मैं कर रहा हूँ इसके अंदर, हम लोगों ने भरना है इसके अंदर इसको। ये देखें ये आ गई, ठीक है। ये हमारी बड़ी कड़क किस्म की है, मैंने आपको तोड़ के भी दिखाई थी। ये देखें ऐसे फिल कर लें इसको, बनाई थी पांच, उसको भी फिल करके आपको दिखाता हूँ मैं। पाँच चार इसके अंदर भरेंगे हम लोगों ने। ये देखें चटनी थोड़ी सी डाल रहा हूँ कटोरी के अंदर। जो खट्टी मीठी चटनी है वो मैंने रेसिपी उसकी दी है, वो भी इसके अंदर डाल रहा हूँ मैं। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं चटनी को, क्योंकि मसाले इसके अंदर करा रही हो तो मज़ा आता है खाने का। एक बार अंदर फिर ऊपर भी इसको लगाएंगे हम लोग। अब इसके लिए मैंने दाल और मसर मार्केट से बने बने मिल जाते हैं, ये हम लोग थोड़े थोड़े डाल रहे हैं इसके अंदर। ये भी सीढ़ियों वाली ये भी मार्केट से मिल जाती है। योगर्ट इसको भी डाल रहा हूँ,
है जी, थोड़ी थोड़ी ग्रीन चटनी इसके ऊपर लगा रहे हैं। चटनी जो है खट्टी मीठी, जिसकी रेसिपी मौजूद है, आप उसकी बना सकते हैं, मेरे पास बनी हुई थी, तो वो भी इसके अंदर डाल रहा हूँ मैं। बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट होगा इसका, आप रमज़ान में ये इस्तेमाल करेंगे ना, इंशाल्लाह ताला आपके रोज़े बड़े अच्छे गुजरेंगे। ज़बरदस्त टेस्ट होगा इसका, बनाना है बहुत आसान है, एक बार बना के कटोरी रख लें और बाकी सामान तो आधे घंटे में सब चीज़ें तैयार हो जाती हैं। पहले क्या है था मैं अनार इसके अंदर डाल देती हैं, इससे टेस्ट और अच्छा हो जाएगा और लुक भी अच्छी आएगी। चाट की कटोरी मुकम्मल हो चुकी है, बड़े ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। तो अभी अपनी मैं अम्मी को चेक करवाता हूँ, वो आपको खा के उसका टेस्ट बताएंगे कितना मज़ेदार इसका टेस्ट है। आप भी घर पर बनाएं, बहुत आसान है। अगर आपको रेसिपी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा। घर पर आप बनाएं, बहुत आसान है। इंशाल्लाह मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।